ज़्यादा एग्जॉस्ट लगा नहीं सकते हम लोग, तो अपन जितना एग्जॉस्ट है जितनी आवाज़ आ रही है अच्छी उतने में खुश है भी। और आवाज़ देख सकते हो भाई, ओहो, और देख सकते हो एक ये टूट गया है, तो मैं इसको भी ठीक करा लूँगा जल्दी से, ये रिक्शे वाले ने मार दिया था। चलते हैं नीचे। Hey guys, this is Yash. Welcome back with another video. So guys, ये हमारी जो पहली वीडियो होने वाली है इसमें आप लोग देख सकते हो मेरी बाइक है, और इसका जो सेकंड रिव्यू है क्योंकि जो पहली वीडियो थी वो मैंने डिलीवरी की बनाई थी, उसके बाद एक भी बाइक नहीं आई है इसके बारे में। तो आज हम लोग इसकी एक तो टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं, सेकंड अपना GoPro माउंट करता है वो चेक करने वाले हैं, और जिस तरह से हमने माउंट करा है कम बजट वाला तो वो भी चेक करने वाले हैं। चलो पहले खोल लेते हैं इसको। तो इससे तीन चार चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी कि हमारा GoPro कैसा वर्क कर रहा है, और जिस तरह से हमने इसको माउंट करा कम बजट में वो भी आपको दिखाऊंगा शाम को। मैं इसको निकाल लेता हूँ और देख सकते हो कितनी गंदी हो गई है। अब भाई आते हैं डिसलॉक के हमारे। तो गाइस अभी मैं ना ऑफिस जाने वाला हूँ यहाँ से, और ऑफिस में जा रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना एक फर्स्ट रिव्यू ले लिया जाए तो कैसे वर्क करता है। तो चलो गाइस पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं अपन, और देख रहे हो भाई धूल कितनी जम गई है। तो यही चीज़ है अपनी गाड़ी, लो कदर करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं जैसे मेरे से साफ़ हो रही है ऐसे साफ़ करूँगा, एंड देन उसके बाद हम लोग निकलने वाले अपनी ऑफिस के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, और लेट हमें किसी चीज़ में होना नहीं है। तो गाइस ये जो वीडियो होने वाली है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इसमें क्या रहेगा, वो आपसे मोटो व्लॉगिंग आएगी, और ये एक फर्स्ट रिव्यू है जिससे हमारी आप लोग बाइक के लुक भी देख सकते हो। और अभी देखो ये एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरी बाइक का एक शीशा टूट गया, तो मैं दिखाना नहीं चाहता, बट जब से मैंने बाइक लिया ये सेकंड मीट है आपकी कि आप मेरी बिल्लोरानी से मिल पा रहे हैं, सो अक्सर तो देखने के लिए आपको मिलती रहेंगी ये। और देख सकते हो एक ये टूट गया है, तो मैं इसको भी ठीक करा लूँगा जल्दी से, ये एक रिक्शे वाले ने मार दिया था। चलो एंड जय माता दी, इसको बंद करते हैं, और हो सकेगा तो जल्दी इसकी भी सर्विस करा के इसको एक अच्छा सा लुक देंगे अपन। चलो निकलते हैं, और देयर वी गो। और धीरे धीरे दिल्ली में भी ठंड आने लगी है, तो क्या हो गया बाइक चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट सुबह में क्या है सुबह में थोड़ी धूप आ जाती है जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से अपनी बाइक राइड कर पा रहे हैं। तो ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें हमारा भाई मोटो व्लॉगिंग कर रहा है, अब से जो वीडियोज आएंगी वो मोटो व्लॉगिंग हो। भाई क्या हो गया, गाड़ी स्लिप होने से बचे भाई, यार एकदम से स्लिप हो गया, पता नहीं क्या हुआ यार। चलो कोई नहीं, अपन कहाँ थे, हाँ तो मैं ये बोल रहा था अब से जो आएगी वो वीडियो सारी मोटो व्लॉगिंग की आएगी हमारी। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा पीछे वाला टायर स्लिप हो रहा है, वन सेकेंड पहले देख लेते हैं भाई, आई थिंक हो सकता है कुछ। हाँ तो मैं ये बोल रहा था गाइस अब से जो वीडियोज आएंगी वो सारी मोटो व्लॉगिंग की आएंगी हमारी, और इससे तीन चीज़ टेस्ट हो जाएंगी। पहली हमारी बाइक को आपको सेकंड टाइम देख रहे हो, एक जब मैंने अनबॉक्सिंग करी थी इसकी, अनबॉक्सिंग कह रहा हूँ जब मैंने इसको रिव्यू करा था बाइक का अपना टेकिंग डिलीवरी जो भी था, तो उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो अपनी बाइक की नहीं बनाई थी। बट अभी क्या है, अभी मैं इसको दो तीन चीज़ों में टेस्ट करने वाला हूँ। पहली चीज़ तो अपना GoPro जो मैंने माउंट करा एक सस्ती चीज़ लगा के और सस्ते सा सेटअप बनाया अपना, ये भी टेस्ट होगा। सेकेंड मेरा GoPro टेस्ट होगा, थर्ड मेरी बाइक टेस्ट होगी, तो तीन चीज़ टेस्ट हो जाएंगी। अब जल्दी से अपनी बाइक का एक स्पीड दिखा देता हूँ आपको फ्लाइवर पे जल्दी से चल के, कि हमारी जो जिक्सर है हमारी जो धन्नो है वो आखिर कितना भागेगी। तो अभी तक मैंने इसको भगाया है 100, 110, 100, 110, इससे ज़्यादा मैंने कभी भगाया नहीं है, ना ही ज़्यादा बाइक भगानी चाहिए, उतनी भगानी चाहिए जितना आपकी लिमिट में हो। ओवर लेके जाओगे प्रॉब्लम खुद को होगी, इससे अच्छा है अपनी जितनी लिमिट हो उतनी भगाओ, अपना सेफ रहोगे। तो चलो जल्दी से चल लेते हैं, फ्लाइवर पर मिलते हैं हम।
ऑल राइट गाइस, तो गाइस फाइनली अपना आ चुका है फ्लाईओवर और इस पर हम लोग इसकी स्पीड चेक करने वाले हैं। ओ भाई आराम से, क्या हो गया, चलो। और आवाज़ अभी क्या है ना, दिल्ली की वजह से ज़्यादा एग्जॉस्ट लगा नहीं सकते हम लोग, तो अपन जितना एग्जॉस्ट है जितनी आवाज़ आ रही है उसकी उतने में खुश हैं अभी। और आवाज़ देख सकते हो भाई, ओहो आवाज़ है बोल, बिना एग्जॉस्ट के गाड़ी इतनी अच्छी आवाज़ कर रही है, और क्या चाहिए भाई। और एक चीज़ और बता दूँ भाई, इसकी बाइक उतनी भगाओ जितने आपके कंट्रोल में हो, विदाउट एनी हेलमेट कभी मत चलाना। जब भी बाइक चलाएं, मोटर ब्लॉगर अगर आप हैं तो प्लीज़ अपनी एक लिमिट में चलाएं, और भगाएं ऐसी बात नहीं है भगाएं, बट अपनी लिमिट में एंड पूरी सेफ्टी के साथ जब भी जाएं हेलमेट पहन के चलें। तो फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने ऑफिस, एंड इसमें भी माइक नहीं लगा रहा GoPro में, तो अगर थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप लोग उसको मैनेज कर लेना, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें सारी ख़त्म कर दूँगा जितनी भी प्रॉब्लम आ रही होंगी वीडियोज़ में। ऑलराइट गाइस, सो गाइस देख सकते हो हमारा सेटअप कुछ इस तरह से है, और ये मैंने इस जगह पे पूरी MCL लगा रखी है ताकि अच्छे से माउंट हो सके। बाकी दिखा सकता हूँ एक बार आप लोगों को कैसे कैसे लगाया मैंने, ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पत्थर पत्थर सा हो गया है, तो ये अपनी जगह से कहीं नहीं हिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। सो ये काफ़ी सस्ता मुझे सेटअप लगा, एक मैंने माउंट लिया जे माउंट है, एंड ये मैंने फ़िक्स कर दिया इसके अंदर, तो मेरा मैक्सिमम 20 रुपये की MCL लगी है, और इसमें मैंने एक माउंट खरीदा 200 रुपये का। तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता सेटअप है, तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, और ये कहीं नहीं जाने वाला। तो देख सकते हो ये पूरा पत्थर है, और ये मेरा GoPro 9 काफ़ी अच्छी तरह से माउंट हो चुका है। तो गाइज ये पूरे सेटअप में करीब मेरे 200 से 250 रुपये लगे हैं, और आप लोगों को अगर सस्ते बजट में करना है तो सबसे अच्छी चीज़ है आप लोग कर सकते हो, आपका GoPro कहीं नहीं जाने वाला वहाँ से, अच्छे से माउंट करना। और बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी आने वाली वीडियोज़ हमारी आपको रोज़ रोज़ भी मिलेंगी, और सारी मोटो ब्लॉग की वीडियो आती रहेगी, और अब से जल्दी जल्दी वीडियो आ जाएंगी, वीक में 1 से 2 वीडियो जरूर आती रहेंगी। बाकी गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी।